अल्लाह ताला अबू को जिंदा की दे, क्योंकि मेरा मैका इनसे ही है, अब कोई नहीं बचा मेरे लिए, सबके खून सफेद हमारे लिए हमारा बजान दो सारे अब बजान दिए। जब तक अबू जिंदा है अहम है हमारा बजान, अबू की ही मलकियत चाहिए। वहां पकड़ के याद रखते हैं ये नौबत नहीं है, सारे जिंदगी भी आपकी ये नौबत नहीं आती है। उसी तरह आपका ख्याल रखते हैं आप लोगों को, ख्याल रखा 4 महीने में आप इतना बेजार आ गए अबू से, और खाना खुशी होती रहती है दूसरी तरीके से। देखो तुम्हारे अगर ये अपनी बिजनेस की तरफ नहीं करते हैं, मैं खुद सुन चुकी हूं जाई साहब, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं आपको थोड़ी सी अर्ज कर लूं तो क्या मेरे अब्बू है ना ऐसे मोहब्बत जागने वाले भाइयों की। भाभी आप जरा ये छोटे को सुने, जाई साहब बात यह है कि हमारे बहुत प्यारे अब्बू हैं, आपकी बिरयानी की दुकान है, आपकी कपड़े की है जी। अच्छा, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा, सब कुछ किया, बड़ी इज्जत के साथ शादियां भी हुई, उसके बाद जायदाद भी तकसीम हुई, सब कुछ हो गया। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब एक छोटी बहन ही भाइयों के खिलाफ हो जाए, पहले कभी जब नहीं वो भाई। अपने बाप को बरगलाती रहे, हर दूसरे दिन बाप गायब हो जाते हैं, उनके पास मोबाइल भी है, अब जब भी फोन करो फोन जा रहा होता है, बेल जा रही होती है, वो उठाते नहीं है। अब हम भी थोड़ा सा कुछ तो उनको बलकड़पन है, कुछ उनके एज का तकाजा है, हम जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर भी कर जाते हैं कभी, बस भाई भी दुकान पर होते हैं, मैं भी अपने काम में मशगूल होता हूं। उसके बाद अब हुआ ये कि जब बहन मुसलसल इनको टोन कर रही है, मुसलसल इनको बुला लेती है, कुछ नहीं पता है मुझे। जब जिस हाल में अब्बू को मैं देख के रह रही हूं, मुझे पता है देखो अभी मैं अपने बच्चों को संभाल रहा, लेकिन उसका ये सिलसिला मिला है, इसको सिर्फ एक दर्द है हमारी मां को, ये सिलसिला मिला है तो हमें यहां लेकर आइए सिलसिला। ये वो आप क्या बता रहे हैं, आप इसको अपने प्लॉट के जाने का दर्द है, ये चाहती है कि मेरा जो भाइयों का मकान मिला अच्छा है उसमें से भी हिस्सा मिले, जो दुकानें मिली हैं उसमें से हिस्सा मिले, और अब्बा को पैसे मिले तो उसको भी मिले। ये उनको 100 रुपए की चाय, ये अपने ससुराल में खुश है, इस पर हमने हमेशा इसका शौहर भी सही खुश है, इससे बहुत खुश है इसका शौहर भी, कान भर रही है तुम्हारी बीवियां, खुशी हो रही है। ये क्या तरीका हुआ, आप ये गलत बात, आपने ये नहीं सोचा कि बाप ने सारा कुछ ज्यादा जज साहब, जब ये अपनी बेटी को इतनी अहमियत दे रहे हैं, हम भी तो किसी की बेटी हैं, हमें भी तो इस तरह ध्यान रखने लायक है ना, तो ये नौबत नहीं आती, हम भी कभी बाप को अपना समझ के देखते हैं, ससुर को छोड़कर अपने बाप को ना पता चलेगा। हां अभी समझावा है, अब देख लेंगे तो है ही बात, आप भी हमारे नहीं साथ चला रही हैं, आप भी उसने पहले अपने भाई से, अब हम इसको किस तरह करेंगे, पहले नहीं बोला जरूरी से शर्म नहीं अपने बड़े भाई के सामने, शर्म आप कर रहे हो। देखें वक्त का और एज का तकाजा है, बेबुनियाद बीमारी की वजह से भी चिड़चिड़े हो चुके हैं, ठहरो आप क्यों नहीं, अरे भाई अब आपको 4 महीने में चिड़चिड़े भी हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ अब हो गया, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, 4 महीनों में नहीं भाई, ये बीवियों के चेहरे पे आ गए हैं, उनसे सुनने तो दो क्या है अब हमारे, आपकी पहली बात कोई चीज पसंद नहीं आती, दूसरे से तीसरी दफा भी अगर बना के लाते अब्बू को तब भी पसंद नहीं आती, अब्बू का बिहेवियर वो होता है कि बेटी बोलते हैं बीवी का दर्जा, बहू का दर्जा भी आज तक इन्होंने नहीं दिया, और हमारे शोहरों के साथ हम तो 2 मिनट भी नहीं गुजार सकते, शादी को 3 साल हो गए आज तक डिनर हमने बाहर नहीं किया,